Since 1951. में क्या देखा गया था, संजय दत्त की KGF चैप्टर 2 में किस किरदार में नजर आएंगे, रॉकी किन दोनों को मार देंगे, इस फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील को और कलाकार यश, संजय दत्त और आदि में प्रोडक्शन हाउस होम अवेल फिल्म्स में और जो डिस्ट्रीब्यूटर किया गया है KRGF स्टूडियोज, एक्सेल एंटरटेनमेंट और AA फिल्म, श्री वेंकट श्रीरा क्रिएशन और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स पृथ्वीराज प्रोडक्शन ने और प्रोड्यूस भी किया है विजय किरण दूर ने। KGF जो है यानी कि एक ऐसी खदान जहां अरबों खरबों का सोना पड़ा है। फिल्म का लीड हीरो रॉकी कोई छोटे मोटे गैंगस्टर नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। फिल्म में रॉकी इंडियन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक इंसान बोला गया, यहाँ तक कि उनके जो अरेस्ट करने के लिए पूरे देश की आर्मी उसके पीछे लगा दी गई। फिल्म में एंड सीन में हमें देखते हैं कि रॉकी सबके सामने गरुड़ा का तलवार से सर काट के उसके सबके सामने मार देता है। यहाँ पर फिल्म का चैप्टर 1 खत्म हो गया, लेकिन इस फिल्म में चैप्टर 2 इस साल रिलीज किया जाएगा और इस पार्ट में संजय दत्त आपको अधीरा के किरदार में नजर आएंगे जो फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और खैर KGF 1 का देखने के बाद KGF 2 के लिए रहा नहीं जा रहा, तो चलिए इसलिए बात करते हैं चैप्टर 2 में कहा क्या होने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि चैप्टर 2 में रॉकी मर जाएगा, तो वैसे किस लिए हम आपको बताते हैं। अब गरुणा का मार दिया गया है बल्कि 4 जो हमारे पिल्लर्स का सवाल आता है, KGF का हिस्सा चाहिए लेकिन वो सामने में आके कुछ नहीं करेंगे क्योंकि रॉकी के साथ वहाँ के लोगों का भरोसा है। अब वो लोग रॉकी के सामने तो नहीं मारेंगे, इसलिए वो एक इंसान की मदद लेंगे जो बाहर का है और वो कोई और नहीं बल्कि अधीरा है। अब दोनों आगे जाकर KGF पर हमला करेंगे। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि जो KGF के लोग हैं उसे इसे एक सीक्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए KGF को सूर्योवर्धन के लाइमस्टोन में नाम से गवर्नमेंट के लीज में लिया गया था। अब इसके बाद अधीरा और इनायत खलील KGF पर हमला करेंगे जिसमें तीनों के बीच सबसे बड़ी जंग होगी और फिर रॉकी दोनों को यानी इनायत खलील और अधीरा दोनों को मार देगा। इसी बीच में जो लेडी पॉलिटिशियन का सरकार बन जाएगी, लेकिन रॉकी के जीतने के बाद लेडी पॉलिटिशियन का ध्यान KGF पर आएगा, इसलिए वो रॉकी को इंडिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल या कहे मॉन्स्टर मौके उसको मारने के लिए आर्मी भेजेगी और जिसे रॉकी मर जाएगा। उसके बाद वो KGF को बंद करवा देगी और उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, इसलिए फिर वो जो सीन आएगा जब मीडिया के हाथ वो बुक लग जाती है और वो बुक फ्रितर को इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है शुभम वालिया ने।